हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आप लेटू चैनल स्पोर्टिंग क्रिकेट में। मैं आपको क्रिकेट से बड़ी खबरें आपको बताऊँगा, लेकिन सबसे पहले अगर आपने चैनल फ्राइब नहीं किया चैनल फ्राइब से बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको कुछ दूर मिल सके। पहली बड़ी खबर करो करें, खबर निकल के आ रही लंकन प्रीमियर लीग के हवाले से। की बड़ी खबर कि लंकन प्रीमियर लीग 30 जुलाई से शुरू होगी। सूरत की बड़ी खबर कि श्रीलंकन क्रिकेट ने कन्फर्म किया है कि पिछले साल भी हुई थी लंकन प्रीमियर लीग और इस साल भी 30 जुलाई से 22 अगस्त के बीच ये लंकन प्रीमियर लीग खेली जाएगी। ये द हंड्रेड के बीच में खेली जाएगी। अगर देखा जाए तो द हंड्रेड भी उसी महीने खेली जाएगी और लंकन प्रीमियर लीग भी उसी महीने खेली जाएगी, लेकिन उनके बीच क्लैश नहीं होगा क्योंकि अगर देखा जाए तो द हंड्रेड रात के 12 बजे शुरू होगी और लंकन प्रीमियर लीग 7 से 7:30 बजे शुरू होगी। उनके बीच कुछ भी क्लैश नहीं होगा, ये सूरत की बड़ी खबर निकल के आ रही है। अगर देखा जाए तो लंकन प्रीमियर लीग पिछले साल बहुत ही ज़बरदस्त रही और इस साल भी ये लंकन प्रीमियर लीग 20 से 22 दिनों की होगी और ये बहुत ही बेहतरीन लीग है और इसमें श्रीलंका के खिलाड़ी और दुनिया के बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी भी देखने को मिलेंगे और ये 30 जुलाई से 22 अगस्त के बीच खेली जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। और दूसरी बड़ी खबर करो करें, खबर निकल के आ रही है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के हवाले से। सद की बड़ी खबर, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कंफर्म किया है कि वो अफगानिस्तान के साथ एक टेस्ट मैच द एशेज से पहले खेलेंगे। सद की बड़ी खबर निकल के आ रही है, एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया उससे पहले जाएगी, यानी वो नवंबर के आखिरी हफ्ते में ही जो 15 नवंबर को ICC T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेला जाएगा उसके बाद अफगानिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होगी और वहीं पर जो नवंबर का आखिरी हफ्ता होगा उसमें वो टेस्ट मैच खेला जाएगा। फिर दिसंबर में वो द एशेज खेलेंगे और ये द एशेज इस साल बहुत ही बेहतरीन होने वाली है और ये अफगानिस्तान टेस्ट के बाद होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, ये क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कंफर्म किया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। और तीसरी बड़ी खबर करो करें, खबर निकल के आ रही मोहम्मद आमिर के हवाले से। सद की बड़ी खबर, आने वाले 2-3 सालों में मोहम्मद आमिर हो सकता है कि वो IPL में दिखने को मिले। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। सब लोगों को शौक भी लगा होगा कि मोहम्मद आमिर IPL में कैसे खेल सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर की एक रिपोर्ट निकल के आ रही कि मोहम्मद आमिर जो ब्रिटिश सिटीजनशिप ले सकते हैं, यानी वो इंग्लैंड में रहने के लिए जा सकते हैं और वही वहाँ की सिटीजनशिप ले सकते हैं और अगर ये सब होता है तो वो 2-3 सालों में IPL में भी देखने को लेंगे। मोहम्मद आमिर बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है, अगर वो IPL में खेलते हैं तो वो बहुत ही ज़बरदस्त गेंदबाजी करेंगे और वो इंग्लैंड में अगर रहते हैं तो वो वहाँ पर भी क्रिकेट खेलेंगे और फिर IPL में खेलते हुए दिखेंगे और ये बहुत ही बेहतरीन खबर होगी मोहम्मद आमिर के लिए कि वो IPL में भी देखने को मिलेंगे आने वाले 2-3 सालों में और अगर वो ब्रिटिश सिटीजनशिप लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। और चौथी बड़ी खबर करो करें, खबर निकल के आ रही RP सिंह के हवाले से। सद की बड़ी खबर, इंडिया की बहुत ही बेहतरीन तेज़ गेंदबाज रह चुके RP सिंह के फादर की डेथ हो गई। अगर बात की जाए तो कोरोना वायरस की वजह से, यानी उनको एक हफ्ते पहले जो पॉजिटिव आने के बाद आखिरकार उनकी मौत हो गई और सचिन तेंदुलकर बड़े बड़े क्रिकेटरों ने इस पर शोक जाहिर किया। अगर बात की जाए तो RP सिंह बहुत ही बेहतरीन इंडिया के तेज़ गेंदबाज रह चुके हैं और इंडिया के बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजों में उनका शुमार होता था, लेकिन अब उनके इस दुनिया में नहीं रहे और कोरोना वायरस की वजह से उनकी मौत हो गई। ये सूरत की बड़ी खबर और बहुत ही बुरी खबर निकल के आ रही है RP सिंह के लिए कि उनके फादर की डेथ हो गई। ये सूरत की बड़ी खबर निकल के आ रही है। और पांचवी बड़ी खबर करो करें, खबर निकल के आ रही है भरत अरुण के हवाले से। की बड़ी खबर, बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर रह चुके भरत अरुण के मुताबिक अगर शार्दुल ठाकुर अपने आप को ऑलराउंडर के तौर पर प्रूव करते हैं तो वो इंडियन टीम में बहुत समय तक खेलते हैं। उनके मुताबिक वो अगर पूरी तरह से प्रॉपर ऑलराउंडर बन जाता है तो वो उनमें एबिलिटी है कि वो ऑलराउंडर बन सके क्योंकि वो बल्लेबाजी बहुत ही ज़बरदस्त करते हैं और गेंदबाजी तो आपको पता है कितनी अच्छी करते हैं। इसलिए अगर वो एक प्रॉपर ऑलराउंडर के तौर पर टीम में खेलते हैं तो वो आने वाले वक्त में इंडियन टीम में बहुत ही ज़बरदस्त क्रिकेट दिखा सकते हैं। इसलिए भरत अरुण के मुताबिक वो अगर उनको चाहिए कि वो पूरे प्रॉपर ऑलराउंडर के तौर पर खेले और तभी वो इंडियन टीम में ज़्यादा देर तक खेलेंगे, ये कहना है भरत अरुण का। और ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल फ्राइव बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप खुश मिल सके। थैंक यू।